दमीर, दमीर, कहाँ हो दमीर? दमीर, दमीर, कहाँ चले गए? सिकिस, सिकिस, करामक, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा कछुआ कहाँ है? कहाँ हो तुम? दमीर, दमीर, कहाँ चले गए? दमीर, दमीर, कहाँ है? दमीर, दमीर, सेलिन, दमीर, सब छोड़ के चले गए मुझे, दमीर, सब छोड़ के चले गए मुझे, सिसिक, करामक, मेरा कछुआ, सब, दमीर, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना। ठीक है, मैं यही हूँ। नहीं छोड़ना मुझे, मैं हूं तुम्हारे पास लीन। ठीक है, चुप हो जाओ। सेलिन, खत्म हो गया, ख्वाब था और कुछ नहीं। देखो, तुम्हारे पास हूं मैं, परेशान मत हो। सब ठीक है, अब सो जाओ तुम। चलो उठो, उठो, अब मुझे जाना भी है। चलो, ठीक हो तुम? अब सुकून से सो जाओगी? मैं नहीं सोना चाहती हूँ। जब उठूंगी तो अकेली रह जाऊंगी मैं। हर कोई छोड़ के चला गया होगा मुझे। तुम भी चले जाओगे तमीर। ठीक है, चलो। सेलिन, यहां चलो, खुली हवा में बैठते हैं। आ जाओ, यहां बैठो। ठीक तो हो ना तुम?
सालन लग रही है। इधर आओ मेरे पास।
तो पार्टी हुई है, ठीक है। कौन हो तुम? चिल्लाना बंद करो, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं कहता हूं। जब मैं अपना हाथ हटाऊंगा तुम बिल्कुल भी नहीं चीखोगी, समझी? क्या चिल्लाओगी तुम? नाराज हूं तुमसे।
क्या हो गया सेलिन? उठो यहां से। 2 मिनट देखने दो मुझे इसे। ये तुम्हें छोड़कर पेरिस चला गया था, वो भी अलारा के साथ। लेकिन वापस तो आ गया है ना? अच्छी तरह देखो, देखो पेरिस जाके क्या बदलाव आया है इसमें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। तुम्हारे 2 मिनट खत्म हो गए सेलिन, चलो उठो यहां से। ठीक है, लेकिन 5 मिनट और। गुड मॉर्निंग। ये किस लिए? इस हफ्ते की शुरुआत मीठे से करते हैं, खाओ। ये तो बहुत मजेदार लग रहे हैं। लैला आंटी की खास रेसिपी है। बहुत मजे के हैं ये। बहुत बिक्री होने वाली है इनकी। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो सबकी एनर्जी बहुत ही जबरदस्त है। मंडे अच्छा गुजरने वाला है हमारा। मर्व, तुम्हारा संडे कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बोरो के साथ बाहर गए। दोस्तों गुड मॉर्निंग। चाय के साथ ये बिस्किट्स भी खाओ। शुक्रिया तुम्हारा। बताना कैसे लगे? छुट्टी कैसे गुजरी, काम किया या आराम? पूरा संडे कैफे में गुजर गया, अभी तक थकन महसूस हो रही है। मेरा संडे भी ऐसे ही गुजरा। हेलो दोस्तों। हेलो बोरो। यास्मीन साहिबा, ये आपके लिए। अरे बोरो, ये बहुत खूबसूरत है। मेरी खूबसूरती की वजह से दिए ना? हाँ बिल्कुल। और ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आर्टिमिम की लड़कियों का हफ्ता बिल्कुल फूलों की तरह गुजरना चाहिए। शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, खुशी है तुम्हें पसंद आए। यार बोरो, तुम हमें सच में बुरा फील करवा। नहीं, अब मैंने आपको कोई रोका थोड़ी ना है। कल आप फूल ले आइएगा, परसों फारूक साहब ले आएंगे, लड़कियां तो कंपनी में है ही ना। सेलिन नहीं आई, देमिर साहब आ गए और वो ना हुई तो फिर मसला हो जाएगा। सेलिन पे उसने और सख्ती की ना तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। वो बहुत गुस्सा करने लगा है उस पर। हाँ ये बात तो है। चाय एंजॉय करो ना। दमीर साहब वापस आ गए हैं। अब सेलिन फिर से उदास रहने लगेगी, देखना तुम। मतलब देखो ना, बुरा कितना अच्छा तो है। हाँ वाकई, दमीर साहब के ना होते हुए कितनी खुश थी ये बात। पुरानी खुशहाल सेलिन वापस आ गई थी, डर है कि कहीं वो वापस उदास ना हो जाए। वो दोनों आ जाए फिर पता चलेगा। नहीं 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 नहीं, हम सब बुरी तरह फंसने वाले हैं। ऐसा क्या हो गया? हाँ कहो यास्मीन। हाँ हेलो ऐदा। क्या, किसने अप्रूव किया था? यिल्दिरम साहब आ रहे हैं, वो भी इस वक्त। उफ, मैं तो ये भूल ही गया था। ये कैसे हो सकता है? हाँ हमने तो उन्हें नहीं बुलाया, तो क्यों आ रहे हैं? हाँ, क्या मजाक है? ये सब जानता हूँ यास्मीन, मैंने ही प्रेजेंटेशन रखी थी। लेकिन ऐदा मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, यहाँ तक के शावर भी नहीं लिया। ऐसा करते हैं कि यिल्दिरम साहब को मीटिंग रूम में बिठाओ और कुछ चाय कॉफी दो उन्हें, कुछ करो यास्मीन। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करती। ठीक है आ रहे हैं हम। मेरा मतलब मैं आ रहा हूँ, मैं अकेला आ रहा हूँ, फोन तो रखो यास्मीन। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़ ऐदा। देखो मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। दमीर, सेलिन, रास्ता दोगे मुझे? जी बिल्कुल। सुबह सुबह मीटिंग रखती और टीम को बताया भी नहीं तुमने। समझ गया, पार्टी करने से तुम्हें फुर्सत मिलती तो तुम अपनी ईमेल देखती ना, मैं सब कुछ ईमेल कर चुका था। पार्टी करने से क्या मतलब है?
हाँ, अपने दोस्तों को बुलाया था मैंने। मैं अकेली थी तो उन्हें बुला लिया घर पर। क्या कोई मसला है? सेलीन कहाँ हो तुम? सेलीन मर्फ ऐदा, खुश आमदीद। कब से दरवाजा बजा रहे हैं, आवाज नहीं आई क्या? मुझे लगा लैला आंटी होंगी इसीलिए नहीं खोला दरवाजा, माफ कर दो मुझे। तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना सेलीन? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। दमीर नहीं है अब, ये पूरा घर मेरा है, पुराने दिनों की तरह। पुराने दिन बहुत याद आते थे मुझे। ठीक है, मुझे खुशी हुई सुनकर। उम्मीद है तुम लोगों को घर बिगाड़ने में कोई रुकावट नहीं आई होगी। तुम इस घर में मेरे साथ रहती हो, ये बात वो दोनों जानती है ना? क्या इसके अलावा बात करने के लिए और कुछ नहीं है तुम्हारे पास? बस यही मौजू रह गया है। हाय, दमीर साहब का कमरा तो देखो, बहुत अच्छी पसंद है उनकी। मुझे तो पसंद आई, जबरदस्त। अब देख लिया ना, चलो बाहर चलते हैं। कितने सलीके से रहते हैं वो। चलो चलो मर्फ, देख लिया ना कमरा, बाहर चलो। चलो, बाथरूम एक ही है। तो ये सारी प्लेट्स वगैरह, इतने सारे ग्लास, ये सिर्फ तीन लड़कियों ने इस्तेमाल किया है? हाँ, तो इसमें क्या है, पूरी रात थे हम यहाँ। क्या ये वही फूल है जो तुमने दमीर को दिए थे? उन्हें ही देखे जा रही हो, क्या तुम्हें याद आ रही है? याद क्यों आएगी मुझे उसकी? हंस हंस के आंखों में पानी आ गया, मैं क्यों याद करूंगी उसे? क्या लगता है वो मेरा? वो सोच रहा होगा कि मैंने पौधे में पानी डाला है कि नहीं। ओहो, तुम्हें क्या लगता है कि वो फूलों को याद कर रहा होगा? पेरिस में अलारा के साथ एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, इस बारे में मत सोचो। मैं क्यों सोचूंगी भला, उसकी वजह से मेरे दोस्त घर नहीं आ सकते थे। तुम दोनों के साथ इस तरह बैठना बहुत याद आता था मुझे। आज सब पहले जैसा लग रहा है, अच्छा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारे गार्डन में आकर बैठना बहुत याद आता है मुझे। क्या हम आ सकते हैं? देखो, हम सबके लिए आइसक्रीम लाए हैं। तुम लोग वाकई में बहुत अच्छे हो, आजो आजो आजो। इबो, बोरा और कौन, मतलब सबको बुलाया था तुमने? मैंने किसी को नहीं बुलाया था, मगर कुछ लोग खुद से आ गए थे, उनकी तो उम्मीद भी नहीं थी आने की। वजह? वजह? अपने दोस्तों से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है दमीर। तुम लोग खुद बताओ कि मैं क्या करता। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा इस किस्म के कामों में मुलव्वस से मुझे कैसे मालूम होता? वो तो माफिया में थी। बुराक, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो ना आए, और मैंने तुमसे कहा था कि बाहर के दरवाजे बंद करके सोना, लेकिन तुम सुनती कब हो? तुमने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, जबरदस्त। और हम मछली को बचाने के लिए फिर से दरवाजा तोड़ देते। और ये हमारा गार्डन, इसका क्या हाल कर दिया है तुमने मेरी गैर मौजूदगी में? सेलीन, पार्टी तो हफ्ते की रात की थी, ये तो कल किया है मैंने। बहुत अच्छा महसूस कर रही थी तो ये किया, और तुम भी यहाँ नहीं थे तो बहुत खुश थी, किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। दिल चाह रहा था गार्डन में फूल ही फूल नजर आए।
हेलो निजात, सलाम। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो एक काम करोगे मेरा? वो बहुत जरूरी है। मैं अपना गार्डन फूलों से भरना चाहती हूँ। मतलब बहुत खुश थी तुम और बहुत एनर्जी में भी थी, और ये खुशी तुम निजात के साथ बांटना चाहती थी। तो फिर गार्डन में काम करते हुए तुमने मेरे बारे में बातें की होंगी। सीलीन, बस आराम से। तुम अपना गुस्सा जमीन पर क्यों निकाल रही हो? इधर देखना, दमीर के जाने की वजह से गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? नहीं, क्यों गुस्सा होंगी मैं? मौसम कितना अच्छा है और कितने प्यारे प्यारे फूल लेकर आए हो तुम, तो मैं क्यों गुस्सा होंगी? देखो, वहां वो सिर्फ काम के लिए गया, जानती हो ना ये बात। अलारा के साथ वैसे भी घूम फिर के उसे क्या मिल जाएगा? नहीं, वो जा सकता है, उसकी अपनी जिंदगी है, कहीं भी जा सकता है वो। अलारा के साथ भी जा सकता है, घूमे फिरे ऐश करे, मुझे क्या। बात दरअसल ये है, मुझे उस अलारा पे गुस्सा है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है वो। और अब अगर दमीर को अपना दोस्त बना लेगी तो वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं होगा ऐसा बिल्कुल, ये कभी हो भी नहीं सकता। मानता हूं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उन दोनों के बीच बातचीत बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। तुम गलत बोल रही हो, और वैसे भी देखो निजात, आज बहुत गर्मी है, मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हें तो इतना मजा आ रहा था कि थकन की वजह से तुम अपने कमरे तक नहीं जा पा रही थी, बल्कि मेरे बिस्तर पे सो गई। हुआ कुछ यूं था। कैसा हुआ था? बिच्छू आ गए थे मेरे कमरे में, तो मैंने अपने कमरे में दवाई डाल दी, इसलिए तुम्हारे कमरे में सो गई। बिच्छू? मतलब वो बिच्छू सारा घर छोड़ के सिर्फ तुम्हारे कमरे में आया, ऐसा ही है? समझ गया। और तुमने क्या किया? क्या इन दो दिनों में पेरिस में बहुत थक गए थे दमीर, कि आकर मुझे उठाने की जहमत भी नहीं की तुमने और सो गए तुम? क्या इतना थके हुए थे? ऐसा नहीं है, मैं सुबह वापस आया था सलीन, और उस वक्त कमरे में अंधेरा था और तुम मुझे नजर नहीं आई। मैं तो बहुत थका हुआ था, आते ही सो गया था, नहीं पता चला कि तुम बराबर में हो।
मैं वहाँ मौजूद हूँ तुम्हें पता नहीं चला? वाकई में? तो तुमने मुझे नहीं देखा? बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे कमरे में भेज देता। हाँ मान लेती हूँ मैं। सवालात खत्म हो गए तुम्हारे? अब अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम ऑफिस जा सकते हैं? यिल्दिरिम साहब बैठे हैं वहाँ। सवाल पे सवाल तो तुम कर रहे थे, मैं तो बस जवाब दे रही थी तुम्हें।